बेसन की सब्जी तो आप कई बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मुंह में जाते ही घुल जाने जितनी नरम मुलायम। आलू और बेसन की सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। खाने में ये इतनी टेस्टी है कि अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो एकदम चटपटी मसालेदार नए तरीके से आलू और बेसन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने छील लिया है। अब सबसे पहले इसे हम ग्रेट करेंगे। तो ये जो बारीक होल वाला ग्रेटर आता है, इसकी मदद से आलू को मैंने ग्रेट किया है ताकि इसमें आलू के बड़े टुकड़े ना रहे। अगर आप आलू को हाथों से मैश करेंगे तो फिर वैसे में आलू की छोटी छोटी गुठली सी रह जाती है। ग्रेट करने से आलू एकदम बारीक मैश हो जाएगा। देखिए दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब बाइंडिंग के लिए इसमें हम बेसन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन डाला है। अगर आप वज़न में देखते हैं तो लगभग ये 120 ग्राम है। अब स्वाद के अनुसार मैंने इसमें 3/4 छोटी चम्मच नमक डाला है। मसालों में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, हल्का सा तीखापन के लिए आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1/4 छोटी चम्मच हींग, साथ में मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी डाला है। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों से घिस कर डाला है ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो पूरी तरह से उभर कर आए। बेसन की सब्जी में कसूरी मेथी और अजवाइन का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। अब बेसन के गट्टे एकदम नरम मुलायम बने, इसके लिए मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाला है। घी की जगह पर आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। अब हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाता। मिक्स करने वक्त कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर वैसे में ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी के छींटे डालकर आप इसका डो बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डो को हमें ज़्यादा गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आगे इसके रोज़ बनाने में दिक्कत आएगी। या फिर कभी ऐसा हो कि लगे कि ये ज़्यादा गीला है तो फिर वैसे में ज़रूरत के अनुसार 2-3 चम्मच बेसन और डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को आप सेट कर सकते हैं। देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद ये डो के फॉर्म में आ चुका है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये हाथों पे हल्का सा चिपक रहा है, तो अब इसमें हम लगभग 1 बड़ा चम्मच घी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये डो थाली और हाथों को पूरी तरह से छोड़ दे। देखिए अब ये गट्टे का मिश्रण पूरी तरह से तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए, ये ज़्यादा गीला बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मीडियम टाइट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। अब सबसे पहले हाथों को साफ करके चिकनाई के लिए इसके ऊपर हल्का सा घी या फिर तेल लगाकर इसकी हम बड़ी बड़ी लोई बनाकर तैयार करेंगे। देखिए सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ के ये 4 लोई बनाकर तैयार किए हैं। अब बेलने वक्त ये चिपके नहीं, इसके लिए चकले के ऊपर थोड़ा सा सूखा हुआ बेसन डालकर इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। अब एक लोई लेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा हुआ बेसन डालकर लोई के चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे ताकि इसे बेलने वक्त परेशानी ना आए। अब जैसे कि हम रोटी बेलते हैं सेम वैसे ही हल्के हाथों से बेलन को चलाते हुए इसे हम गोल बेलेंगे। अगर शेप इधर उधर हुआ तो भी चलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसे हमें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। ज़रूरत पड़ने पर बीच बीच में इसके ऊपर थोड़ा सा और सूखा हुआ बेसन डाल सकते हैं ताकि इसे हम और पतला कर सकें। देखिए इसे मैंने एक बड़ी सी रोटी की तरह बेल लिया है और इसकी जो थिकनेस है इसे मैंने ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। अब किसी भी चाकू या फिर कटर की मदद से ये जो अनइवन किनारा है ना, इसे हम कट करके हटा देंगे ताकि जब हम रोज़ के गट्टे बनाएं तो उसकी जो शेप है वो एकदम परफेक्ट बने। अब इसे लगभग हम 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई में कट करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि इसकी चौड़ाई को हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो रोल की जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बनेंगे। तो देखिए इसे मैंने 3 भागों में कट किया है। अब रोल करने से पहले इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ पनीर डाला है। आप चाहे तो बिना पनीर के भी इस बेसन की सब्जी को बना सकते हैं, लेकिन रोल के अंदर हल्का सा पनीर डालने से रोल और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर घर में पनीर है तो आप ज़रूर डालिएगा, और अगर नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी रोल कर सकते हैं। अब एक तरफ से उठाते हुए इसे हम रोल करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, आपको यहाँ पे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी।
लास्ट का ये जो किनारा है इसे हम हल्का सा प्रेस करके रोल करेंगे ताकि अच्छे से बंद हो जाए और जब इसे हम स्टीम करें तो ये खुले नहीं। देखिए कितनी आसानी से ये बन गया। इसे साइड में रखकर सेम तरीके से ही एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी गट्टे के रोल्स बना लिए हैं। अब सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म करके मैंने इसमें लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा साथ में कुछ खड़े मसाले भी डालेंगे। तो मैंने इसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग डाला है। ध्यान रखिएगा कि खड़े मसालों को हमें यहाँ पे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही मसाले हल्के से भुन जाएंगे इसमें हम 2 तेज़पत्ता और 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालकर तुरंत इसमें हम प्याज भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के डाला है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक भुनेंगे और जब तक इधर ये प्याज भुनेगा तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सी के जार में मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप करके डाला है। यहीं पे हम 10 से 12 लहसुन की कली, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे कि मैंने छोटे पीसेस में काट के डाला है, 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे और अब बिना पानी डाले इन सभी को हम बारीक होने तक पीस लेंगे। देखिए टमाटर के साथ साथ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सभी चीज़ें अच्छे से पिस चुके हैं। इधर प्याज को भुनते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। प्याज अच्छे से भुनकर इसका जो कलर है ना वो देखिए चेंज हो चुका है। तो अब ये जो टमाटर वाला पेस्ट हमने बनाकर रखा है ना वो इसमें डालेंगे। टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए यहीं पे हम नमक भी डाल देंगे। तो मैंने इसमें स्वाद के अनुसार 1 छोटी चम्मच नमक डाला है। अब मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए टमाटर को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो सब्जी में बिल्कुल भी ना आए। देखिए मसालों में से तेल पूरी तरह से अलग हो चुका है, कलर और टेक्सचर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मतलब कि टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब गैस की फ्लेम को लो करके इसमें हम बाकी के सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, तीखापन के लिए 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। सब्जी में एक बढ़िया सा कलर आए इसके लिए मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। अब थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि मसाले बिना जले अच्छे से भुन जाए। देखिए मसालों का कलर और कंसिस्टेंसी पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मसाले दानेदार दिखने लगे हैं, किनारों पे तेल भी दिखने लगा है, मतलब कि मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसमें सिर्फ 1.5 कप पानी डाला है। सभी मसालों को एक बार अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसके ऊपर जाली वाली थाली रखकर इसके ऊपर हल्का सा घी या फिर तेल लगाएंगे ताकि जब गट्टों को हम पकने के लिए रखें तो ये इसके ऊपर चिपके नहीं। अब एक एक करके सभी गट्टे को हम थाली के ऊपर रखेंगे ताकि ग्रेवी के साथ साथ ये बेसन के गट्टे भी अच्छे से पक जाए। बस ये ध्यान रखिएगा कि 2 गट्टों के बीच में हमें हल्का सा जगह रखना है ताकि पकने के बाद ये अच्छे से फूल सके। अब ढककर मीडियम फ्लेम पर इन गट्टों को हम 12 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। 15 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए पकने के बाद ये गट्टे बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं और ऊपर से क्रैक भी आ चुका है, मतलब कि अंदर तक अच्छे से पक चुका है। तो अब सावधानी के साथ निकाल कर इन गट्टों को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। इधर ये जो ग्रेवी और मसाले हैं ये सभी चीज़ें भी अच्छे से पक चुके हैं, प्याज भी देखिए पूरी तरह से गल चुका है। तो अब आपको जैसी भी ग्रेवी चाहिए, थोड़ी सी पतली या फिर गाढ़ी, उसके अनुसार इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा 1.5 कप गर्म पानी डाला है। ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज पे ठंडा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो सब्जी का जो टेस्ट और कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। एक बार अच्छे से मिला लेने के बाद हाई फ्लेम पर ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आने तक का वेट करेंगे। इधर ये जो बेसन के गट्टे हमने बनाए हैं इसे आप चाहे तो ग्रेवी में डालने से पहले फ्राई भी कर सकते हैं। और देखिए ये गट्टे कितने सॉफ्ट बने हैं। आप चाहे तो इन गट्टों को अपने पसंद के अनुसार 2 से 3 पीसेस में कट भी कर सकते हैं। देखिए ये अंदर तक अच्छे से पका हुआ है, स्पॉन्ज की तरह एकदम नरम मुलायम। इधर देखिए ग्रेवी में भी उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, सभी चीज़ें अच्छे से पके हुए हैं। तो अब ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत ये जो गट्टे हमने बनाकर रखे हैं ना वो इसमें डालेंगे। स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहीं पे हम 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे।
एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसे ढक कर लो फ्लेम पर ग्रेवी के साथ गट्टों को लगभग 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जी को पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये बेसन की सब्जी बनकर पूरी तरह से तैयार है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी देखिए एकदम परफेक्ट है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और भी थिक हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा इसे गाढ़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। गैस को ऑफ करके ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब ये बहुत ही स्वादिष्ट आलू और बेसन की सब्जी गर्मा गर्म सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखकर ही आप समझ सकते हैं ये सब्जी कितनी परफेक्ट बनी है। चम्मच लगाने भर से ही टूट गया। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बेसन के गट्टे कितने सॉफ्ट बने हैं। तो जब भी घर में कोई हरी सब्जी ना हो, छोले पनीर से हटकर कुछ अलग बनाने की सोच रहे हैं, तो इस आलू और बेसन की सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप इसे रोटी, पराठे, चावल, पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सबके साथ ही ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल शिवानीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।